6:30 हो रहे हैं और अभी मैं जो है इसका मेकअप रेडी कर रही हूँ। इधर देखो साइड से। इतनी टाइम हो गया, जल्दी से उठो, नहाए करो। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल विनी रावत व्लॉग्स। आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। दोस्तों, हर वक्त की एक अलग रौनक होती है। शाम के वक्त की एक अलग रौनक होती है और रात के वक्त की एक अलग रौनक रहती है और इसी तरह सुबह के वक्त की भी एक अलग ही रौनक होती है। और सुबह सुबह का एक समय होता है ना, जिसे हम भोर कहते हैं, तो उस भोर की तो एक और ही रौनक होती है, जिस टाइम चिड़ियाएं भी चहचहा रही होती हैं और छोटे छोटे जो जानवर हैं वो भी जाग रहे होते हैं अपनी नींद से, और इसी तरह हम लोग भी बिस्तर छोड़ रहे होते हैं ताज़ा ताज़ा। सूरज आसमान में उगने को तैयार बैठा होता है और उसी तरह हम लोग भी अपने दिन की दिनचर्या शुरू करने के लिए तैयार बैठे होते हैं। और आज का मेरा ये वक्त भी उसी भोर का वक्त है। सुबह के 5 बज रहे थे जब मैं उठ गई थी। उठने के बाद सबसे पहले मैंने जो है पूरे घर के दरवाजे खोले और उसके बाद पानी वगैरह पिया और फिर मैंने टाइम देखा तो इतने में 5:30 बज गए थे। आज मैंने अयाना को जो है 5:30 से ही उठाना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि आज उसके स्कूल में ना प्रोग्राम था डांस का, तो उसको प्रॉपर रेडी होके जाना था। उसके स्कूल से भी उसको कॉस्ट्यूम मिली हुई थी, पूरा मेकअप वगैरह करके जाना था, तो इस चक्कर में मैंने उसे फिर जल्दी उठाना स्टार्ट किया, क्योंकि वो एकदम से तो उठती नहीं है, थोड़ा 10-5 मिनट और लगाती है। मैंने सोचा जो है वो 6 बजे तक उठ के नहा धो के रेडी हो जाएगी। आज अयाना का स्कूल का फंक्शन है तो उसके लिए मुझे उसे जो है रेडी करना है। मॉर्निंग के 6:30 हो रहे हैं और अभी मैं जो है इसका मेकअप रेडी कर रही हूँ, तो देखती हूँ कितना टाइम लगता है करने में। और 7:30 तक जो है इसकी बस आ जाती है, तो इसको निकलना होता है, तो तब तक मुझे इसका मेकअप जो है वो सब रेडी करना है। और अभी जो है ये ब्रेकफास्ट कर रही है, मैं दिखा देती हूँ उसके क्या कॉस्ट्यूम मिली है स्कूल से। ये है ज्वेलरी जो उसको मिली हुई है, ये इयररिंग्स हैं और ये गले का जो है एक नेकलेस है, और ये है दुपट्टा जो लहंगे के साथ का दुपट्टा है, और इसमें है इसका ये ऊपर की चोली हो गई ये, और ये है लहंगा, और इसको जो है साथ में चोटी करनी है, ब्रेड करनी है, और ब्रेड करके लगाना है ये परांदा। अयाना का ब्रेकफास्ट रेडी करने के साथ साथ मैंने अपने लिए जो है चाय भी बना दी थी, और उसके लिए स्कूल का टिफ़िन रेडी करने के बाद मैंने उस पर घर पे खाने के लिए एग फ्राई बना दिया था, और साथ में जो है मिल्क वगैरह मैंने उसको दे दिया था, और वो जब तक ब्रेकफास्ट करी थी तो मैंने सोचा कि मैं चाय पी लेती हूँ। ना कि ब्रेकफास्ट करने के बाद फिर मैंने उसका जो है मेकअप स्टार्ट किया, और सबसे पहले मैंने उसके जो है बाल बनाए, क्योंकि बाल बनाने में टाइम लगता है, तो इसलिए फिर मैंने सबसे पहले उसको ऊपर की चोली बोला पहनने के लिए, और फिर मैंने उसके बाल बनाए। बालों मैंने जो पहले उसको ब्रेड बनाना था और साथ में लगाना था परांदा, तो फिर मैंने ब्रेड बनाने के लिए पहले तो उसकी जो साइड से जो है वो मैंने चोटी बना ली थी दोनों साइड से, और उनको पीछे से जो है वो क्लिप से, टिच वाली क्लिप से टक कर दिया था, और फिर उसके बाद जो है मैंने एक रबर बैंड लगाया, क्योंकि वो रबर बैंड मैंने इसलिए लगाया क्योंकि छोटे बाल हैं अयाना के, और मेरे को जो है परांदा फंसाना था रबड़ में, क्योंकि परांदा जो है वो हैवी है, तो वो ना बालों से उसको डांस करते करते निकल सकता था, तो इसलिए मैंने पहले जो है रबड़ बांध के उसमें परांदा को फंसा दिया, ताकि वो कितना ही घूम ले तो वो फिर नहीं गिरेगा परांदा। और फिर उसके बाद जो है मैंने जब उसके परांदे के साथ उसकी ब्रेड करी, और नीचे लास्ट में फिर एक और वहाँ पे रबर बैंड लगा के परांदे को भी मैंने गांठ मार दी, ताकि जो है वो नहीं निकले, क्योंकि खुल जाता नहीं तो परांदा, तो इसलिए फिर मैंने वहाँ पे भी एक रबर लगा के परांदे को पूरा अच्छे से टक कर दिया, और फिर उसके बाद नीचे को परांदे को एक्स्ट्रा गूथ करके, और फिर लास्ट में जो है उसमें उसको टक कर दिया।
और अब हेयरडू के बाद बारी थी मेकअप की। और बच्चों का मेकअप करना ना थोड़ा सा फसी काम रहता है, क्योंकि बच्चे इजीली जो है मेकअप करवाने देते नहीं हैं, उनको बड़ी दिक्कतें रहती हैं मेकअप कराते हुए। तो मैंने भी अयाना का जब फेस पर फाउंडेशन लगा रही थी तो वो उसको बड़ी इरिटेशन हो रही थी मेरे हैंड से और वो क्रीम से, तो बार बार जो है फेस को साफ़ करे जा रही थी। बट वही था कि करना तो होता ही है। फिर उसके बाद मैंने उसकी जो है आई शेडो वगैरह लगाया थोड़ा सा आईज़ में, और फिर जो था मैंने लाइनर लगाया था, क्योंकि लाइनर लगाना ना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है बच्चों को, क्योंकि वो अपनी आईज़ जो है ब्लिंक करते रहते हैं तो दिक्कत रहती है। मैंने उसको बोला कि अपनी आईज़ क्लोज़ करो, उसके बाद भी थोड़ा सा रहता है, क्योंकि कई बार जो वो आईलिड्स में लग जाता है लाइनर, तो वही थोड़ा सा फिर मैंने उसको बोला कि आप आईज़ क्लोज़ करके रखो। तो उसने फिर 5 मिनट्स जो है आईज़ क्लोज़ करके ही रखी, तो इस तरीके से फिर उसका लाइनर जो है वो सक्सेसफुली लग गया। और उसके बाद भी मैंने उसे बोला कि जब तक ये आईलाइनर सूखता नहीं है आप आईज़ को जो है क्लोज़ करके ही रखो, नहीं तो ये फिर लग जाएगा आपकी आईज़ के ऊपर। तो बट थैंकफुली उसने मेरी बात मान ली थी। और बिंदी लगाई मैंने उसको, रेड कलर की बिंदी लगाई एक मीडियम साइज़ की, और उसके साथ ना वो जो वाइट डॉट्स होते हैं ना कुमकुम के, वो लगाने थे। और मेरे पास जो है कुमकुम तो था नहीं, तो मैंने जो है अयाना का ये कलर था वाइट कलर का जो ड्राइंग वाला कलर होता है, वो कलर को फिर मैंने उससे वो वाइट डॉट डॉट्स बनाई उसकी पूरी बिंदी के पूरे सर्कल में। मेकअप करते हुए मेरा ध्यान साथ के साथ जो है घड़ी पर भी लगा हुआ था कि कहीं देर ना हो जाए, क्योंकि 7:30 एग्जैक्ट जो है अयाना की स्कूल बस आ जाती है, और उससे पहले मुझे इसको रेडी करके भेजना था स्टैंड तक। तो फिर मैंने कहा जल्दी जल्दी निपटाऊँ इसका मेकअप, क्योंकि कई बार जो होता है बच्चे कोऑपरेट भी नहीं करते हैं तो वो टाइम लग जाता है, और मेकअप में तो थोड़ा सा टाइम लगता ही है, और अपना करना एक अलग बात होती है लेकिन बच्चों के करने में तो बहुत टाइम लग जाता है। उसके बाद मैंने उसको जो है एक रेड कलर की लिपस्टिक लगाई, और जो उसके टीथ में भी लग गई थी, फिर साफ़ किया उसके टीथ को, और साथ में मैंने लगाया काजल। काजल जो है नीचे की आईज़ में लगता है तो वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट पार्ट हो जाता है, क्योंकि काजल लगाने में ना तो उसको थोड़ा सा अनईजी लग रहा था, क्योंकि थोड़ा आंसू भी आ जाते हैं कई बार काजल लगाने में। वैसे तो मैंने बाहर बाहर से लगाया था, अंदर की लिड्स में नहीं लगाया था, बट फिर भी उसको थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल लग रहा था लगवाते हुए काजल, तो फिर मैंने बाहर बाहर से ही लगाया उसका काजल। फाइनली मेकअप पार्ट तो कंप्लीट हुआ था, और अब उसको जो है उसने लहंगा वगैरह पहन लिया, और जिसमें ना नाड़ा लगा हुआ था, क्योंकि थोड़ा सा रहता है कि बेल्ट वाला रहता तो इजी रहता है बच्चों को, लेकिन ये था इसमें नाड़ा था, तो फिर मैंने उसको अच्छे से टाइट करके टक कर दिया। और उसकी ना बैंगल जो है छोटी हो गई थी यानी कि, तो वो हैंड्स में आ नहीं रही थी, तो ये मेरे पास ब्रेसलेट थे दोनों हैंड्स के जो उसी के लिए लिए हुए थे मैंने, और फिर मैंने वही ब्रेसलेट वगैरह उसको पहना दिए थे, थोड़ा सा रोल रोल करने वाले थे तो चूड़ी की तरह ही लग रहे थे। ठीक है, ऐसे करना है साइड से, ऐसे करके फिर पीछे, इतना सा तो दुपट्टा है, इसको कैसे करके कैसे करो, ऐसे नहीं हमारा का दुपट्टा भी तो छोटू सा है, लगाओ जरा, बस देख रहा हूँ, ऐसे पहन लो हाथ में इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पे हाथ कैसे बोलूँगा, चक्कर लेते टाइम कर दो, बस देख लो, यहाँ पकड़ो, यहाँ दुपट्टा अगर गलत होगा तो स्कूल में भी सेट हो जाएगा दोनों।
और ये हो गया बच्चा परफॉर्म करने के लिए रेडी, ऑल सेट। परांदा भी दिखेगा ना ऐसे, स्माइल। और रेडी होने के बाद जो है 10 मिनट्स का टाइम था, तो मैंने जो है थोड़ा सा फ़ोटो सेशन किया याना का, क्योंकि वो भी ज़रूरी होता है जब कुछ नया कॉस्ट्यूम पहनते हैं तो बच्चों का फ़ोटो सेशन करना ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, बाय। तो अयाना तो स्कूल चली गई थी, और उसके स्कूल जाने के बाद मैंने जो है जल्दी जल्दी पूरे घर की सफाई करी सबसे पहले, और जो भी काम थे मेरे मॉर्निंग के वो सारे काम निपटाए, क्योंकि आज मुझे जाना है अपनी मम्मी के घर, और आज मेरे जो है पापा का श्राद्ध है, उनका तिथि श्राद्ध है, तो इस वजह से मुझे जो है मम्मी के घर जाना है। तो फिर मैंने जल्दी जल्दी जो है काम निपटाए, और अब मुझे जो है नहा धो के ये ब्रेकफास्ट बनाना है, और ब्रेकफास्ट में मेरे हस्बैंड लेके आए थे ये मल्टीग्रेन ब्रेड जो होती है, तो वही मल्टीग्रेन ब्रेड में सेकनी है मुझे, और साथ में मैं थोड़ा सा एग बनाऊंगी। मेरी मम्मी के घर जाने के लिए मुझे जो है अपने घर से अराउंड 2 आवर्स लगते हैं, और मैं मेट्रो में ही जाती हूँ, मेरी मम्मी के यहाँ जो है डायरेक्ट मेट्रो जाती है मेरे घर से, तो वही 2 घंटे के करीब का टाइम मुझे लग जाता है, और मुझे इवनिंग में जो है वापस भी आना है, तो इसलिए मैं जो है जल्दी ही निकल जाती हूँ ताकि मैं शाम को जो है टाइम पर वापस भी आ जाऊँ। तो इसीलिए फिर मेरे हस्बैंड ये ब्रेड लेके आ गए थे, तो मेरे को थोड़ा सा ईजी हो गया ब्रेकफास्ट बनाना, तो फिर मैंने जल्दी से ब्रेड सेकी और उनके लिए एग बनाया और दूध ले लिया साथ में, चाय वाय हमने मॉर्निंग में ले ली थी, तो इसलिए अभी मैंने उनको बोला कि दूध ले लो साथ में, क्योंकि ज़्यादा चाय हम पीते नहीं हैं, और आज तो मैंने सुबह ही बना दी थी चाय भी। और फिर जल्दी से जो है हमने अपना ब्रेकफास्ट फिनिश किया, क्योंकि मुझे फिर रेडी भी होना है जाने के लिए, और मम्मी के यहाँ मैं अकेले ही जाऊँगी, क्योंकि अयाना तो स्कूल गई और उसके पापा का ऑफिस है, तो उन लोगों के पास तो टाइम नहीं है, तो मैं अकेले ही जा रही हूँ आज। उनके लिए मैं जो है प्रसाद लेती हुई आऊँगी शाम को। तो मैंने अब यही सोची थी कि पहन के क्या जाऊँ, क्योंकि सूट ही पहनने का मुझे ऑप्शन सही लग रहा था ऐसे टाइम में, मेरे को लगा कि वहाँ पे पंडित जी वगैरह भी आए होंगे तो फिर सूट वगैरह ही सही लगता है, तो इसलिए। बट ये है कि सूट थोड़ा सा कंफर्टेबल नहीं लगता है, फिर मैंने ढूंढ के ये एक कुर्ती थी मेरी कॉटन की वो मैंने निकाली, क्योंकि गर्मी भी लगती है नॉर्मल सिंथेटिक कपड़ों में, तो पर उसे जो है प्रेस करने की नीड थी, क्योंकि वो थोड़ा कॉटन की थी तो थोड़ा सिकड़ी हुई थी, तो अब फिर मैंने प्रेस लगाई और जल्दी जल्दी उसको प्रेस किया, और फिर मेरे बाल भी गीले थे, क्योंकि नहाने के बाद जो है मैंने सिर भी धोया था साथ में, तो इसलिए बाल गीले ही रह गए। तो अब फिर मैंने बालों में कंघी करी, क्योंकि गीले बालों में जो है मैं अवॉइड ही करती हूँ कंघी करना, बट ये है कि कभी इमरजेंसी में ही मैं करती हूँ, क्योंकि गीले बालों में ना कंघी करने से बाल ना ज़्यादा झड़ते हैं, और इसलिए। पर आज जो है इमरजेंसी थी तो फिर मैंने कंघी की बालों में, और फिर बालों को ना मैंने हाफ टक ही किया, क्योंकि बाल अभी सूखे ही नहीं थे, तो इसलिए फिर मैंने ऊपर क्लचर लगा के बालों को जो है हाफ टक कर लिया था। दुपट्टा मैंने जो है कैरी नहीं किया, उसको मैंने अपने बैग में रख लिया था कि मैं वहीं पे अगर ज़रूरत पड़ी तो वो ले लूँगी, बट रास्ते में जो है मुझे वो कंफर्टेबल नहीं लग रहा था कैरी करना, तो मैंने उसको जो है बैग में ही छोड़ रख दिया था अपने। और मैंने एक लिपस्टिक लगाई और बिंदी लगाई, और फिर मैं हो गई रेडी जाने के लिए, क्योंकि टाइम भी हो गया था मेरे निकलने का।